इंदौर में कोरोना की जांच करने गए डॉक्टरों पर हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हैदराबाद में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसी अस्पताल में भर्ती मृतक के रिश्तेदार ने डॉक्टर को पीट दिया। मुंगेर और कटिहार जिले में बुधवार को लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मुंगेर में जहां कोरोना के संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने पहुंची टीम पर हमला किया गया, वहीं कटिहार में पुलिस के गश्ती वाहन पर ग्रामीणों ने हमला किया। इन घटनाओं से नाराज डॉक्टरों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा नहीं मिलने पर काम बंद करने की भी धमकी डॉक्टरों ने दी है। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। मारपीट करने वाले लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंगेर में न केवल डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया बल्कि वहां पहुंची पुलिस को भी निशाना बनाया गया है। हैदराबाद, इंदौर समेत तमाम शहरों की घटनाएं ये बता रही हैं कि कोरोना को लोग हल्के में ले रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना की जांच का विरोध किया जा रहा है। ये विरोध उन डॉक्टरों को लेकर किया जा रहा है जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। कोरोना की जितनी जांच की जाएगी उतना ही महामारी फैलने का खतरा कम होगा। लोग इस बात को समझने के लिए शायद तैयार नहीं। अमेरिका आज कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित देश बन चुका है। इटली में मृतकों की संख्या 12,000 के करीब पहुंच गई है। स्पेन भी कोरोना का दंश झेल रहा है। दुनिया के 177 देश इस महामारी को मात देने में लगे हैं। ऐसे में ये घटनाएं देश में एक बड़े तबाही का संकेत दे रही है। सरकार से ज्यादा आम जनता इस महामारी को फैलने से रोक सकती है, लेकिन डॉक्टरों पर हमला कर हम खुद बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।